आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। यूपी का आगरा जिला 9 विधानसभा सीटों के साथ दो चीजों के लिए जाना जाने लगा है। पहला ताजमहल के लिए और राजनीति में राज्य की दलित राजधानी के रूप में। जिले की 21% आबादी अनुसूचित जाति से संबंधित है। यहाँ बड़ा फुटवेयर उद्योग है जो इन समुदाय और विशेष रूप से जाटवों को रोजगार देता है। जाटव बसपा का मुख्य वोट बैंक है। चुनाव के नतीजों में भी ये देखने को मिलता है। 2007 में जब मायावती सीएम बनी थी तो बसपा ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल की थी। 2012 में वह सत्ता से बेदखल हो गई, तब भी उन्होंने यहां 9 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2017 में कुछ अकल्पनीय हुआ, भाजपा में सभी 9 सीटों पर जीत का परचम फहराया गया। जी हाँ, बता दें आपको कि यहाँ की 7 सीटों पर बसपा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। हिंदुत्व के बैनर तले जातियों को एकजुट करने की भाजपा की कोशिश 2017 के बाद से नहीं बदली है। योगी के नेतृत्व में 2017 के बाद ने पार्टी को मजबूत किया है। इस चुनाव में आगरा के 9 उम्मीदवारों में से एक जाटव नेता बेबी रानी मौर्य है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं 2017 में आगरा में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत का भी अंतर बहुत था। इसमें गैर जाटव दलित वोट थे, विशेष रूप से वाल्मीकि समुदाय का अहम रोल था, जिन्होंने पार्टी के लिए भारी मतदान किया। स्थानीय निवासी चांदमणि कहते हैं कि पिछली बार को जाटव बसपा से अलग हो गए और भाजपा में चले गए, इस बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाबा साहेब बाबू जगजीवन राम और काशीराम के बाद मायावती ही है। यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है कि क्या बीजेपी इस बार भी सभी 9 सीटें जीतेगी। जी हाँ, आगरा के एक सीनियर दलित भाजपा नेता ने स्वीकार किया कि 2017 जैसा चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ गुस्सा है, लेकिन हमारे पास बेबी रानी मौर्य और मंत्री जी एस धर्मेश जैसे दो बड़े जाटव नेता है। हमारे पास बड़ा अंतर है और हम अभी भी अधिकांश सीटें जीतेंगे। हम सभी 9 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश जीतने के लिए 312 की जरूरत नहीं है, केवल 202 सीटें चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।